अस्सलामुअलैकुम। आपने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुसल करता है और मस्जिद जाता है, उसके लिए हर कदम पर एक साल के रोजे और एक साल की रात की नमाज का सवाब लिखा जाता है। आपने फरमाया, जुमा के दिन की एक घड़ी होती है, उस समय अल्लाह से जो भी चीज़ मांगी जाए वो उसे बख्श देता है। अस्सलामुअलैकुम। आपने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन इमाम के आने से पहले मस्जिद में आता है और खुतबा सुनते समय खामोश रहता है, उसके लिए जुमा और अगले जुमा के बीच सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आपने फरमाया, जुम्मा का दिन सबसे अहम दिन है, इस दिन दुआओं का खास महत्व होता है। अस्सलामुअलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। अस्सलामुअलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुसल करता है और नमाज के लिए जल्दी जाता है, उसके लिए हर कदम पर एक साल के रोजे और एक साल की रात की नमाज का सवाब लिखा जाता है।